अरे गोलू गोलू बेटा, क्या लेकर जा रहे हो? हैं का कुछ भी तो नहीं है। अरे गोलू, जो तू पीछे पन्नी में ले जा रहा है, क्या उसमें? अरे यार, इस बुड्ढी का कुछ करना पड़ेगा। क्या बोला गोलू? अरे क्या बोला, कुछ भी नहीं है। वो बोल रहा था सब्जी बनाने के लिए आलू लेकर आया था। अच्छा गोलू, अब आंटी से झूठ बोलेगा? हमें दिखाई नहीं दे रहा, देख वो आ रहा गोलगप्पे का पानी लग रहा है, हमसे झूठ बोल रहा है। अच्छा ये, ओ माय गॉड, दरअसल ये सुनीता को गोलगप्पे खाने का मन किया था ना, तो उसके लिए लाया था। हे, वाह वाह बेटा वाह, आज गोलगप्पे छुपाए जा रहे हैं, कल कुछ और छुपाओगे, परसों कुछ और, ऐसे सब छुपा लोगे एक दिन। अरे मम्मी यार, कहाँ की बात है, तुम कहाँ ले जा रही हो? सबके सामने तो ले जा रहा हूँ, कहाँ छुपा रहा हूँ? देखो देखो, देख रही हूँ चीची, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, देखो आकर कैसे दिखा रहा है। अरे आंटी, तुम क्यों जले पे नमक छिड़क रही हो? गोलगप्पे ही तो ले जा रहे हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ ये बड़ी बात नहीं है, खिलाओ खिलाओ, कभी गोलगप्पे, कभी रसमलाई, कभी रसखीर, खिलाओ जाओ, रोटी तो खानी नहीं है, वो क्या जरूरी है? अरे मम्मी, रोटी सब्जी अपनी जगह पे है, और कभी कभी आदमी को खट्टा मीठा खा लेना चाहिए, मन को तो नहीं मानना चाहिए ना, क्यों पापा है? बोलो पापा। अच्छा क्या बोले, कुछ काम धंधा कर लो, तब उड़ाओ चाहे खिलाओ, 10 दिन की छुट्टी लेके आए थे, आज 1 महीना हो गया, क्या कर रहे हो घर में? देवे देवे दिख तो रहा है, क्या कर रहे हैं? ऐसा है, एक थप्पड़ में सब दिखाई देना बंद हो जाएगा, हाल बदतमीजी निकल जाएगी तुम्हारी। यार पापा, आप मुझसे ऐसे बात मत किया करो, अब हम बच्चे नहीं रहे। हाँ बहुत बड़े हो गए हो, एक चांटे में सारा बड़कपन निकल जाएगा, शादी होगी तो हमसे बड़े हो गए। पापा यार, उसकी इच्छा चल रही थी तो ले आए, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई ड्रामे वाली? हाँ इच्छा चल रही थी तो ले आए, कल को जहर की इच्छा चले वो ला के दे देना। हाँ, जहर तो मैं खिलाऊंगी तुम्हें खाने में, 2 दिन हमारे आदमी ने मिला कर खिला के दिया, सबको मिर्ची लग गई। अरे जी जी, ये कितनी बोल रही है? वो तो मैं देख ही रही हूँ, ये देखो देखो कैसे गाल चला रही है, ये सब सिखा पढ़ा के भेजा है इसके मायको वालों ने, जा ससुराल में ससुरालियों के नाक में दम कर दियो जाके। अरे मम्मी यार, तुम फालतू की बातें किए जा रही हो। हाँ देखो, हम फालतू की बात कर रहे हैं, तेरी बहुरिया फूल बस सारी है यहाँ पे, चुपया जा कन्या बहू के पल्ले से जाके जा। हाँ जी जी, सही कह रही हो तुम, हमने ऐसे कभी गोलू को बात करता होना देखो। अरे गुड्डी, पता है नहीं जाने कहा आएगा, खिला पिला दो हमारे गोलू को, हमसे आज ऐसे जवान लड़ा रहा हुआ। अरे मम्मी, इसमें जवान लड़ाने की क्या बात हो गई, बेचारी पराए घर से आई है, मन किया तो ला दिए, अब इसमें इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत है? वाह बेटा वाह, मम्मी की बात है, ड्रामा लग रही है, सर पर ला कर बिठा दे बहू को हमारे, तू तो है गोलू का गुलाम। गुड्डी, सुबह हमने इसकी लुवाई से 1 कप चाय मांग ली थी, फिर दर्द का बहाना बना के बैठ गई, यो करी पिताजी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बताओ। बताओ भाई साहब, चाय की कैदी तो सिर में दर्द हो गया, खाने की कैदी थी तो हॉस्पिटल चली जाती सीधी। अरे आंटी, तुम क्यों बोल रही हो? और पापा, मैंने तो चाय बना के दी थी ना सुबह, इलायची मार के, कहाँ की, कहाँ है वो? कहाँ पी ली, अब कुछ नहीं था तो पीनी तो पड़ेगी। आप पीली तो शांत रहो ना, चपर चपर किए जा रहे हैं आप लोग। हाय राम जी जी, जी क्या कर रही है चपर चपर? जी जी, बहू तो हमारी है, कुछ नहीं बोलती जी जी, और सोनू को तो 1 दिन घर पे ना रुकने देती, जो बोलता है जी जी जाओ तुम काम पे, हम देख लेंगे घर में सब। अब मैं कितनी तारीफ करूं जी जी अपने बहू की, एकदम गाय है जी जी हमारी बहू तो। गाय है, तभी तो दूध वाले के साथ चक्कर है, पूरा मोहल्ला जानता है, आई परी बराई करने। ऐसा है गोलू, हमसे बकवास मत करना, हम तुम्हारी मम्मी नहीं है, हमें सब पता है तुम्हारा, तुम्हारे ससुरालिया अभी कोई दूध के थले ना है, तुम्हारी बहू की भौजाई खुद आ गई है। और सुनाओ। ऐसा है चाची, हमारे माइक वाले के ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है, वरना बात करने लायक नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। तू हमें बात करने लायक नहीं छोड़ेगी है? मुँह खुलवाई रही है तो सुन, तू भी कोई दूध की धुली ना है, तेरे भी चुप्पे सुनाऊं कोचिंग के। अरे अरे रुको रुको चाची, ज्यादा पर्सनल जा रही हो तुम, अब कुछ भी हो, अब तो ये हमारी बीवी है, बीवी के बारे में तो हम एक बार भी नहीं बकवास सुनेंगे। वाह बेटा वाह, जीजी बदल गया गोलू, हमने कभी जीजी सोची नहीं थी कि इतनी जल्दी बदल जाएगा, पर बदल गया जीजी। अरे गुड्डी क्या बताएं, आजकल की बहुरिया इतनी तेज आ रही है गुड्डी, कि 1 महीने में हमारा लड़का इसकी बोली बोलने लग गया, इतनी जल्दी तो गुड्डी तोता भी नहीं पड़ता, इतनी जल्दी ये पड़
गया नालायक। हमें नहीं बताते, ये हमारे मत्ते मर जाएगी। तो हम जिंदगी भर लड़के की शादी ना करते गुड्डी। रंडवा ही रहते जिंदगी भर। अरे रोना रोना क्या लगा रखा है, कोई मर गया है यहाँ पे जो रो के दिखा रही हो? हाँ क्यों रो रही हूँ, तू और तेरी बहुरिया मर गई है इसलिए रो रही हूँ मैं। अरे मम्मी कैसी बात कर रही हो, बढ़िया तो सामने जिंदा खड़ी है। और यार एक गोलगप्पे के लिए इतना ड्रामा क्यों कर रही हो, ये लो तुम ही खा लो, लो। अब हमें तू क्या खिलाएगा, अपनी लुगाई को खिला दे और अपनी सास को खिला दे, हम तेरे कौन लगते हैं। हम परसों के दिन तू अपनी सास को लुगाई को लेकर बाजार गया था, तूने हमसे एक शब्द पूछी कि मम्मी तुम चलोगी कि नहीं चलोगी, हमें खिलाएगा तू? अरे मम्मी दिमाग से निकल गई, नहीं पूछ पाए, अब ध्यान रखेंगे बस खुश। देखो जीजी आज दिमाग से निकाल दिया, कल घर से निकाल देगा तुम्हें। अरे चाची है तुम्हारा घर वर है कि नहीं है, फालतू में आके बैठ जाती है रोज सुबह सुबह। बात कर रहा है तू चाची से? भाई हमारा घर है ये, हमारे घर पे चाहे कोई भी आए चाहे कोई भी बैठे, तो ये क्या मतलब है? हैं तो फिर ठीक है, किसी को भी लाओ, किसी ऐरो गेरो के ऐसे फालतू में मिटाओ, हमें क्या है, डलवाओ फूट करवाओ घर में। देखो देखो कितना ही हम सबका सम्मान कर रहा है, फोन पे देखा था मैंने ये अपनी सास को मम्मी जी बोलिए मम्मी जी करके बात कर रहा था, हमने इसको पैदा करा है आज तक इसने कभी हमको मम्मी जी बोला है। अरे यार मम्मी तुम ढूंढ ढूंढ के सुना रही हो, अब मम्मी जी ही सुनना चाहती हो तो लो सुनो, मम्मी जी जी मम्मी जी मामी हो गया। ए जीजी का भांग भांग खाए के आओ अक्का जी, देखो कैसे कर रहा है, हमको लगता है जीजी पागल हो गया है ये। ए पागल हो गया हूँ बेबी, वो कूलर के ऊपर से दो चार ईंटे रखे हो उठा के लाना, पागल पंती दिखाऊं इनको सब। हाँ कूलर से याद आया, तेरे ससुराली यहाँ से एसी की बात हुई थी और क्या पकड़ा दिया, ये डब्बा कूलर पकड़ा दिया है, अभी चालू कर दूं कूलर तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि दहेज वाला कूलर चालू हो गया, पूरी रात सो नहीं पाते इसकी खटर खटर की आवाज में। जा जा तू ईंट उठाने जा रही है, उठा ला ईंट, ऐसा करंट मारे हो कि तो नानी याद आ जाएगी। अब भाई साहब जो नसीब में हो वो ही मिलता है, चाहे कूलर हो चाहे ऐसी बहुरिया। अरे यार चाची अब तुम जाओ भी, आपका सरपटाई करा के जाओगी, भगवान के लिए चली जाओ प्लीज। अरे हम तो जा ही रहे हैं, और क्या हम तो घर पे यहाँ पसंद में थोड़ी आए हैं। दीदी बदल गया तुम्हारा गोलू, पहले खूब बोलता था आंटी जी फलानी बात आंटी जी दिखानी बात, और अब देखो घर से भगा रहा है, चल हम तो जा ही रहे हैं। अरे जीजी ना 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 रो रो मत जीजी, अच्छा ना लगता। हाँ देखो मम्मी को चुप कराने की बजाय अंदर जा रही है, सब लुगाई की दी गई अकल है, इसका बाप पंचर बेचता है और माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा तो ये भी पंचर लगाएगा। हमारे घर में सब पंचर लगाते हैं, तुम्हारे घर में सब प्रधानमंत्री है, अब इस नट्टे कन्नान में एक पल भी नहीं रहूंगी मैं। अरे अरे रुको सुनीता तुम कहाँ जल्दी, पिताजी तुमसे थोड़ी बोल रहे, वो तो हमसे कह रहे, हम कब बोल रहे तुमसे थोड़ी बोल रहे। हाँ मना ले पैरों पे गिर जा, पैर छूले इसके। हाँ ये सही कहा पापा आपने, पैरों पे ही गिर जाता। सुनीता मच्छा सुनीता प्लीज आई लव यू सुनीता सुनीता। अब नाक कटा दी सारे ने, कहा औलाद है जी, अब तक तो हमारी नजरों से गिरा था, अब बहू के पैरों पे भी गिर गया। कोलू डाली तुम्हारी बेइज्जती अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं एक पल भी नहीं रुकूंगी इस घर में, जा रही हूँ। ना ना रुको रुको सुनीता, अगर तुम जाओगी घर से तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। और भूल गई, साथ में जीने मरने के कसमें खाई थी सुनीता हमने। आई लव यू सुनीता, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, चलो मेरे साथ।